हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में कि वो क्या होती है और उसके आने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं आपके सामने ये जो हो रहा है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नंबर वन। तो गाइस, सिंपली मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब गाइस ये होता है कि जब कभी आप अपने चैनल पर किसी भी तरह कोई पोस्ट डालते हैं जो कि YouTube की गाइडलाइन की तरफ से वो इलीगल है, और साथ ही साथ जो देखने वाले आपके व्यूअर्स हैं और उनको किसी तरह की कोई ऐसी मटेरियल ऐसा कोई मटेरियल प्रोवाइड ना कराया जाए जिससे कि आपके जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, और साथ ही साथ किसी भी तरह की वायलेशन ना हो। देखिए, वायलेशन जो है किसी भी तरह की हो सकती है। आप किसी कम्युनिटी को लेकर कोई कमेंट या फिर वीडियो नहीं बना सकते हैं, या फिर आप किसी वॉर को लेकर आप किसी तरह की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे जानलेवा चीज़ें जो आप हथियारों के बारे में, औजारों के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है पूरी तरह से। तो गाइस देखिए, सिंपली क्या होता है कि आप किसी तरह की पोस्ट अपलोड कर देते हैं तो YouTube जो है अपनी तरफ से वो वीडियो जो है उसको एनालाइज करके वो डिलीट कर देता है, और साथ ही साथ आपको ये सचेत करता है कि आपको इन्फॉर्म करता है कि आप जो है ये इस तरह की गलती दोबारा ना करें और इस तरह का कंटेंट जो है कभी भी आप अपलोड ना करें। तो गाइस देखिए क्या होता है कि एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन की जो स्ट्राइक आई हुई है इस चैनल पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपको 3 स्ट्राइक तक की लिमिटेड दी जाती है। जैसे ही आपकी 3 स्ट्राइक अगर आती है तो आपका जो चैनल है वो डिलीट हो जाएगा और फिर वो दोबारा रिकवर नहीं होगा। तो गाइस आपको ये सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और यूट्यूब की तरफ से मैसेज पर मैसेज आ रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें, उसके बावजूद भी गाइस अगर आप वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो YouTube आपको 1 स्ट्राइक देगा, 2 स्ट्राइक देगा, और 3 स्ट्राइक जैसे ही आएगी तो आपका चैनल जो है वो डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिससे फिर आप अपनी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको करना क्या है कि आप अपलोड करने से पहले आपको चैनल को देखना है। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जब कभी वीडियो अपलोड करें तो उसमें देख लेना है किसी तरह की उसमें अब्यूजिंग ना हो रही हो, या फिर किसी तरह की उसमें मारपीट ना हो रही हो, किसी हथियार के बारे में ना बताया जा रहा हो, मतलब ऐसा कंटेंट जो इको फ्रेंडली नहीं है लोगों के लिए, तो आपको उस तरह का कोई भी मटेरियल जो है YouTube पर अपलोड नहीं करना है। अगर गाइस अपलोड करेंगे तो आपके चैनल पर जो वीडियो आपने अपलोड की है वो डिलीट होगी, और साथ ही साथ आपका जो चैनल है उस पर स्ट्राइक आएगी, जो कि आपके आने वाले टाइम के लिए, या फिर आप कुछ उससे अर्निंग कर रहे हैं तो उस पर आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो आई होप यू गाइस आप इस एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में समझ गए होंगे, और ध्यान रखिएगा कि आप जिस तरह कंटेंट जो अपलोड ना करें जिससे आपका चैनल जो है बचा रहेगा। थैंक यू गाइस।